हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बाजू का ये डिज़ाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे हमने ये फ्रिल बनाई हुई है बहुत ही प्यारी सी, और इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो दोस्तों, जो आपने बाजू का डिज़ाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक ये पट्टी लेनी होती है। इसकी जो इस तरीके से लेंथ होगी हमारी 6 इंच की है, 6 इंच की, ये ध्यान रखना है। और लंबाई, जो लंबाई की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लेंथ होगी हमारी तकरीबन 40 इंच की है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 इंच 3 इंच कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ नापनी होती है जितनी हमें यहाँ पे तैयार रखनी है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ही हमारी 14 इंच है तो यहाँ पे हमें ये जो पट्टी आएगी हमारी इस तरीके से आएगी। तो एक्स्ट्रा में जो आप देख रहे हो डिजाइन, तो टोटल हमारी यहाँ पे लेंथ आ जाएगी 19 इंच तक यहाँ पे तैयार, 18.5 से 19 इंच तैयार आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। जितनी भी आप पट्टी ये एक्स्ट्रा लगाते हो तो उसी हिसाब से आप लेंथ कम रखें बाजू की। इसके बाद हमें ये जो पट्टी ली है इसके ऊपर हमने ये पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है, चिपकाई हुई है, ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और जो हमें यहाँ पे कटिंग करनी है, तो कटिंग करने के लिए हमें लगाना होगा यहाँ पे फोल्ड, तो हम 1.5 इंच का यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का ऐसे ये फोल्ड लगा लेंगे। इस तरीके से ये फोल्ड हमारा हमें लगाना होता है, ये ध्यान रखें ऐसे। अगर ये ज्यादा मोटा हो जाता है तो पहले आप इतने पे ही कटिंग कर ले, ये ध्यान रखें। इस साइड से हम तकरीबन 2.5 इंच पे ये निशान ऐसे लगा लेते हैं, ये हमने 2.5 इंच पे लगाया निशान, और यहां से हम इस तरीके की गोलाई देते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। तो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे पकड़ना है और इसको अच्छे से सेट करते हुए ऐसे कटिंग कर लेनी होती है। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है। तो कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये डिजाइन आएगा। अब हमें यहाँ पे सेम इसी तरीके से आगे भी कटिंग करनी है, ये ध्यान रखना है। आप यहाँ पे इस तरीके से बराबर बराबर कटिंग कर ले। तो ये देखिए, सभी जगह से हमने बराबर कटिंग की है। अब हम आगे की साइड भी यहाँ पे पूरी कंप्लीट ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, ये हमारी यहाँ पे डबल हो जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे भी इसको हम काट लेंगे एक एक पीस को अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये पूरा पीस कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें जाना है मशीन के ऊपर और सीखना है किस तरीके से इस डिजाइन को तैयार करते हैं। तो दोस्तों, स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सेम साइज की 6 इंच चौड़ाई वाली पट्टी हमें चाहिए, वाइट वाली, जो हमारा कमीज वाला जो कुर्ती वाला फैब्रिक होता है उसी के साथ की। और यहाँ पे हमें इसको रखना है इस तरीके से नीचे, और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ये वाला पीस ऐसे, क्योंकि हमें ये सभी ट्रायंगल शेप के जो पीस आप देख रहे हो ये सभी तैयार करने हैं। तो इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे,
तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी पट्टी के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रायंगल शेप के जो ये कटिंग की थी उनमें हमने यहाँ पे लगा ली है सिलाई। अब हमें कटिंग करनी है इस तरीके से सभी जगह से। यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसे हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सभी जगह से यहाँ पे कर ली है कटिंग। और कटिंग करने के बाद अब हमें जो हमारी नोक है यहाँ पे सिलाई के नज़दीक तक कट लगाना होता है, और ऊपर की साइड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये काट देना है। तो ये सभी जगह से आपने ध्यान से यहाँ पे कटिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये छिजने का डर रहता है, इसलिए सिलाई का ध्यान रहे, सिलाई ना कटे। तो यहाँ सभी जगह हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो सभी जगह से हमने इस तरीके से यहाँ पे लगा लेने हैं कट। और कट लगाने के बाद इसके बाद अब हमें इन्हें पलटना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ऐसे यहाँ पे अच्छे से नोक निकालते हुए ऐसे यहाँ पे इसको पलटेंगे ऐसे। तो सभी को हम इसी तरीके से यहाँ पे पलट लेंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये नोक निकल जाएगी। और सभी नोक को हम यहाँ पे सुई की मदद से, जो हाथ कोई भी सुई आती है उसकी मदद से यहाँ पे इस तरीके से नोक निकाल लेंगे बारीक अच्छे से। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये ट्रायंगल से बन जाएगा। तो सभी नोक मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप के सभी पीस ये रेडी कर लिए हैं। इस तरीके से नोक निकालते हुए बारीक नोक निकाल ली है। एक साइड हमारा वाइट रह जाएगा और एक साइड हमारा यहाँ पे ये प्रिंटेड कपड़ा रह जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमें इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आएंगे ट्रायंगल से पीस। अब हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है। तो हम एक साइड से शुरू करेंगे, जो हमारी नोक होती है ये वाली, यहाँ पे हल्का सा एक निशान लगा लेते हैं सेंटर पॉइंट का, और यहाँ से हम प्लेटें डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेट जो आएगी हमारी, इस निशान पे ऐसे फोल्ड होकर के ऐसे आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड के यहाँ पे ऐसे प्लेट डालेंगे। तो डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल आपने सेंटर में प्लेट डालनी होती है ये वाली, बराबर गैप रखते हुए। यहाँ पे गैप भी आपने बराबर रखना है। अगर आपको कहीं से कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारी बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए दोनों साइड। ये देखिए, एक प्लेट हमने यहाँ पे डाल ली है। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी प्लेट डालेंगे। दूसरी प्लेट डालने के लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से एक पत्ती छोड़ के यहाँ पे दूसरे वाली पत्ती का सेंटर पॉइंट बनाना है। और यहाँ पे ये दूसरी प्लेट हमारी ऐसे आएगी इस तरीके से। फिर से वाली पत्ती छोड़नी है और इसका यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये डिजाइनिंग आ जाएगी। आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी हमारी डिजाइनिंग तैयार होके देखने में लगती है। इसके बाद हमें इसे करना है बाजू में अटैच। तो ये देखिए दोस्तों, जब हमारी यहाँ पे ये डिजाइनिंग इस तरीके से आ जाएगी, तो अब हमें यहाँ पे बाजू लेनी है। ये हमारे पास बाजू है, तो बाजू के ऊपर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग किया हुआ है उसी को देखते हुए। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे ऐसे। तरीके से फोल्ड करने के बाद डिजाइनिंग कुछ हमारी ऐसे रह जाएगी।
इस तरीके से। और यहाँ पे ये क्या होगा कि ये पक्का हो जाएगा, ऊपर से आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो, अंदर से तुरपाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये देखिए इस तरीके से बाजू आएगी हमारी। अब इसको हम यहाँ पे फोल्ड करके जितना आगे का साइज रखना है उतना रख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बाजू की नीचे की सिलाई लगा ली है और पूरी बाजू की शेप हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी डिजाइनिंग आती है और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल यहाँ पे बाजू देखने में लगती है इस तरीके की। तो ऐसे आप यहाँ पे ट्रायंगल शेप के पीस कट करके कपड़े को ट्रायंगल शेप में कटिंग करके और ऐसी फ्रिल वाली बाजू बना सकते हो, जैसे कि मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।